नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आपको दिखाते हैं अहम खबर। जब पड़ोसी ही चपत लगाने पर आतुर हो जाए तो नुकसान होने से कोई नहीं रोक सकता, यही हाल उत्तराखंड रोडवेज का भी है। दरअसल उत्तर प्रदेश यहां पर अपनी 1250 बसें चला रहा है, जबकि अन्य राज्यों को मिलाकर कुल 1500 बसों का संचालन उत्तराखंड में हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि परिवहन निगम के पास केवल 37 बसों के ही चलने का रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि उत्तराखंड रोडवेज का उत्तर प्रदेश रोडवेज के साथ 29 अक्टूबर 2018 को करार हुआ था, जिसमें प्रतिदिन के हिसाब से दोनों राज्यों में संचालित की जाने वाली बसों की संख्या और मार्ग तय किए गए थे, मगर करार के बावजूद यहां तो घपला हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल मार्च से पहले तक उत्तर प्रदेश की करीब 1500 बसें उत्तराखंड में चल रही थी। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब की 400 बसें उत्तराखंड में चल रही थी। बहरहाल वर्तमान में कुल संख्या 1500 के आसपास बताई जा रही है, जिसमें 1250 बसों के साथ सबसे ज्यादा बसें उत्तर प्रदेश की हैं। इनमें से 1000 बसें तो केवल देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और टनकपुर से संचालित हो रही हैं। परिवहन सचिव डॉक्टर रजीत सिन्हा ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। उन्हीं के आदेश पर जांच बैठी तो पता चला कि दूसरे राज्यों की लगभग 1500 बसें रोज संचालित हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के राज्य परिवहन प्राधिकरण में इनमें सिर्फ 37 बसों के संचालन का रिकॉर्ड दर्ज है। ऐसे में सचिव ने सभी आरटीओ एआरटीओ से बसों के नंबर, डिपो और फेरों की संख्या का रिकॉर्ड तलब किया है। मसला ये है कि जो उत्तराखंड रोडवेज इतना घाटे में चल रहा है, कर्मियों की सैलरी भी नहीं दे पा रहा है, वो इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकता है? इतनी बड़ी लापरवाही की गुंजाइश ही नहीं, हैरानी की बात है कि उत्तराखंड रोडवेज को ये भी नहीं पता कि यहाँ हरियाणा की कितने बसें चल रही हैं और हिमाचल या पंजाब की कितनी। बता दें कि अब जांच बैठी है तो हड़कंप की स्थिति तो बनी ही है। गिनती होने से परेशान उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने हरिद्वार में अपना संचालन मुख्य बस अड्डे के बजाय ऋषिकेश में कुंभ मेले के दौरान बने अस्थायी बस अड्डे से शुरू कर दिया है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने भी मामले को बेहद गंभीर बताया है। यशपाल आर्य ने इसे विभाग की लापरवाही कहा। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। बहरहाल अब परिवहन आयुक्त तो रोडवेज के प्रबंध निदेशक से संबंध में स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा। मुख्यमंत्री से बात कर बैठक बुलाने की बात भी कही गई है। साथ ही कहा गया है कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। अब आपको उत्तराखंड उत्तर प्रदेश रोडवेज के करार के बारे में बताते हैं, जो अक्टूबर 2018 में 18 सालों की मशक्कत के बाद हुआ था। लखनऊ में हुए इस करार के दौरान दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। तब ये तय हुआ था कि अब उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसें उत्तराखंड सीमा में 216 मार्गों पर रोजाना 2472 ट्रिप समेत 140,000 किलोमीटर चलेंगी। इसके अलावा उत्तराखंड रोडवेज की बसें उत्तर प्रदेश की सीमा में 333 मार्गों पर 1725 ट्रिप और 250,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगी। उत्तराखंड को जहां 1.25 करोड़ प्रति महीने का टैक्स मिलना था, वहीं रिकॉर्ड न होने से उत्तर प्रदेश मन मर्जी कर रहा है। और 2019-20 में उत्तर प्रदेश ने 5.31 करोड़ टैक्स चुकाया, जबकि वर्ष 2020-21 में 1.21 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश ने ये टैक्स सिर्फ देहरादून, कोटद्वार और हल्द्वानी के बस अड्डों को दिया। हरिद्वार, रुड़की समेत टनकपुर, काशीपुर और रुद्रपुर से संचालन का कोई टैक्स नहीं दिया गया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार। अब कहीं और क्यों है जाना, माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज में है आपकी आवश्यकता का हर सामान। बैटरी, आरओ, कूलर, चिमनी और इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारी दुकान पर होलसेल दामों में उपलब्ध हैं। साथ ही हाउस वायरिंग और सर्विस की जाती है। मॉड्यूलर किचन हम बना कर देंगे। संपर्क करें माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज नियर सेंट्रल हॉस्पिटल, गैस गोदाम रोड, कुसुम खेड़ा, हल्द्वानी।